देश के कई राज्यों से भारत बंद की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी बीच हमारे संवाददाता कावेन सिंह चौहान दिल्ली के आई पहुंचे क्या कुछ तस्वीरें हैं हैं से देखते हैं। लगातार जारी इस किसान प्रदर्शन के बीच आज 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था इसी के साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी किसानों को समर्थन दिया है और ऐसा दिख रहा है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने हाइजेक कर लिया है यहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जी आप किस पार्टी से हैं और यहाँ किसके समर्थन में आए हुए हैं आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी से पार्टी से हैं आप यहाँ पर आप कितने बजे आए थे और ये भारत बंद जो है ये कब तक जारी रहेगा जब तक भी रहे जब तक बताइए आपके नेता ये बताइए आपके नेता आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी आपके पार्टी के हैंडल की तरफ से कि उनको घर में नजरबंद कर दिया गया है क्यों किया गया है इसके पीछे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो जो हैं उन्होंने एक साजिश के तहत और जो हमारे जो गृहमंत्री हैं अमित शाह जी उन्होंने उनको अंदर किया हुआ है लेकिन हम तन मन और तन मन से अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और जब तक आम आदमी पार्टी का हरेक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं मैदान में डटे हैं किसानों के साथ खड़े हैं जब तक किसानों का अन्याय नहीं सब वो नहीं ये ये बताइए मोदी जी और सरकार के लोग ये कहते हैं कि ये जो कानून है इसमें किसानों का हित छिपा हुआ है जब इसमें हित है तो आपको कैसे अहित नजर आ रहा है अहित अहित तो अहित है सर क्योंकि जब तक सरकार इस बात को साबित करे एन एस पी एन एस पी क्या होता है तो वो जो है आपका जो बॉर्डरों पे किसान खड़े डटे हुए तो क्यों डटे हुए हैं वो जो है किस कारण डटे हुए हैं सरकार के सरकार के सरकार के तमाम नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो विरोधी पार्टियां हैं विपक्षी जो पार्टियां हैं वो किसानों को बरगला रही हैं आप यहां हंगामा कर रहे हैं धरने में आए हुए हैं ये बताइए सरकार की बातों को कहीं ना कहीं आप सफल साबित नहीं करते क्योंकि यहाँ किसान नजर नहीं आ रहे हैं मुझे सरकार पार्टी सरकार के लोग ज़्यादा नजर एक चीज़ आप देखिए आप एक चीज़ देखिए आप कि किसान आज बारह तेरह दिन हो गए किसानों को वह भरी ठंड के अंदर बच्चों के साथ कौन चाहेगा कि भरी ठंड के अंदर वो लोग बच्चों साथ लेकर रहे ठीक है आज एक इंसान वहाँ ठंड में जो एक सत्ताधारी जो हमारे लोग हैं बड़े नेता हैं एक दिन देखे गुजार के क्या होता है उनके दर्द सर आप हम चाहेंगे कि आप बच्चों को लेकर वो रोड पर हैं इसके पीछे उनकी जेनवन प्रॉब्लम्स हैं उनको सरकार को समझनी चाहिए बेसिकली कि जो वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो जनवन है बस टीकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर वहाँ पर तमाम किसान जो हैं डटे हुए हैं आप लोग यहाँ हैं क्या इन बॉर्डर्स पर भी आपके कार्यकर्ता पहुँचे हैं सर सर अभी तो सर अभी तो स्टार्टिंग है अगर सरकार के आँखें नहीं खुली तो पूरा देश का पूरा किसान हर एक बॉर्डर पर जाएगा और अपनी मांगों को पूरा करके रहेगा सर बस कई किसान नेताओं से भी बात हुई थी मेरी किसान नेता कहते हैं कि उन्हें किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए वो किसी की पार्टी के साथ नहीं है आप लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं ये कब तक जारी रहेगा सर जब तक हमारे किसानों को उनका न्याय नहीं मिल जाएगा सर तब तक हम लोग सर ऐसे ही लगे रहेंगे चलिए किसानों ने जो मांगे बताई वो समझ में आती हैं लेकिन आपने मैम कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी की अपनी कोई मांग नहीं है जो किसानों के हित की रक्षा के लिए जो दौर की बात हुई है किसान नेता भी तो हैं क्या किसान नेता पढ़े लिखे नहीं प्रमुख प्रमुख मांगे क्या हैं प्रमुख नाम मांगे हैं जो तीन कानून दिए गए हैं एम एस पी की जो बात है वो लिखतम है है सरकार कह रही है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है इसी तरह से जारी ये सरकार का कहना है ये सरकार का कहना है किसान को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाए क्या किसान पढ़ा लिखा नहीं वर्ग नहीं है क्या जब तीन दौर की या चार दौर की या पांच दौर की बात होगी तो क्यों नहीं इसको सेटिस्फाई कर पाए दूसरी बात है कि जो कानून मंडी का है अगर मंडी निजीकरण जो करने जा रहे हैं निजीकरण इन्होंने धीरे धीरे इस तरह से करा है पहले ये कह रहे थे रेलवे को कुछ नहीं होगा हवाई जहाज को कुछ नहीं होगा लेकिन होगा ना सारी चीजें किसान जो शंका जाहिर कर रहा है उसका समाधान इनके पास है ही नहीं जी बिल्कुल तो यहाँ पर लगातार आईटीओ पर गहमा गहमी बनी हुई है और देखने को मिल रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो यहाँ पर उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं कि किसानों के लिए बनाए गए जो कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए